जिला ऊना में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो हमारे विवाह समारोह हो रहे हैं उनके लिए कुछ नए नियम जो हैं वो 1 मई 2021 से लागू होंगे। इस संबंध में ये आदेश आज किए गए हैं कि 1 मई 2021 के उपरांत जिला ऊना में शादियों में पब्लिक फंक्शन जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है वो पूर्णतः 1 मई 2021 के से प्रतिबंधित होगा। 1 मई 2021 के बाद जो भी शादियां हो रही हैं उसमें वर वधु और उनके निकटतम सगे संबंधियों को मिला के कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी और इसको किसी भी प्रकार की स्टैगरिंग या 2 दिन के फंक्शन करके बढ़ाया नहीं जा सकता है। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य भारी व्यक्ति जो है भीड़ बढ़ाने के लिए शादी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। शादी में किसी भी प्रकार के डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिनांक 1 मई 2021 के उपरांत जो शादियां हो रही हैं जिनके लिए अनुमति हमने पहले से दे दी है वो सभी अनुमतियां इसी प्रकार संशोधित समझी जाएंगी कि उन सभी शादियों में 20 से अधिक लोग अब शामिल नहीं हो सकते हैं। उन सभी शादियों में जो सामूहिक भोज की अनुमति दी गई है वह रद्द मानी जाएगी और उन सभी शादियों में किसी भी प्रकार का पब्लिक फंक्शन या समारोह जिसमें बाहरी लोगों को बुलाया जाता है वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर हाई लोड कोविड-19 राज्यों से कोई वर वधु या सगे संबंधी शादियों के लिए जिला ऊना में आ रहे हैं तो वे अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आएं और बॉर्डर पर चेक कराएं। यदि कोई व्यक्ति यहां से हाई लोड कोविड राज्य जैसे पंजाब दिल्ली इत्यादि में शादियों में सम्मिलित होने जा रहा है तो वो बाहर यहाँ से बाहर जाने के बाद लौट कर क्वारंटीन होगा और टेस्ट कराएगा और शादियों की सभी अनुमति जो है वो इन्हीं नियमों के अनुरूप अब दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी आदेश किए गए हैं कि कोविड-19 जो नियम है उनकी अनुपालना की जिम्मेदारी आयोजक की होगी और शादी के बाद जो विवाह पंजीकरण जब करवाएंगे तब उन्हें SDM से ये सर्टिफिकेट NOC लेना होगा कि उन्होंने अपनी शादी जो है वो कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत ही कराई है और उसके बाद ही विवाह पंजीकरण जो है वो किया जाएगा। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अपने घर में ही अपने निकटतम 20 सगे संबंधियों के साथ ही शादी करें और सादगी पूर्वक अपनी शादी को निपटाएं और हमारे समाज और जिले को जो है कोविड-19 के बढ़ते मामलों से सुरक्षित रखें।